द वैल्यू ऑफ अ मशीन, सेम क्वेश्चन है, एक लाइन में होगा, डिप्रिशिएट्स ओके एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर बाय 10%। ओके ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर आफ्टर 2 ईयर्स। ओके इफ 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 इट्स प्रेजेंट, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज रुपीज 50,000। ओके दिस इज द क्वेश्चन। ओके ये सवाल है, बहुत इजी है। ओके ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए मशीन। ओके अब सी व्हाट इज गिवन टू यू, सॉल्यूशन हम करेंगे, आपको गिवन क्या है, आपको उस मशीन की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो दी है, जिसको हम एक्स लेते थे ना वो हमें दिया है, प्रेजेंट वैल्यू कितने दी है 50,000। ठीक है ओके अब वो क्या कर रहा है, वो अब वो जाहिर सी बात है, हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आप जैसे ही शोरूम से उससे बाहर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिप्रिशिएट होगी डेफिनेटली। ठीक है डिप्रिशिएट का मतलब होता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। ओके सो जब वैल्यू डिप्रिशिएट होगी ओके तो कैसे करेंगे, डिप्रिशिएट का मतलब क्या है, लॉस की तरह ही लेंगे उसको हम लोग, विल टेक इट एज लॉस ओनली। ओके तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल गोइंग टू सॉल्व इट, सो प्रेजेंट वैल्यू, सो देयरफॉर सी, और यहाँ पर डिप्रिशिएट एवरी ईयर, सपोज आप ये कहो कि अगर 2020 में अगर उसकी वैल्यू कितनी है 50,000, तो 2021 में 10% डिप्रिशिएट हुई, नीचे की तरफ एरो दिखा रहा हूँ, फिर 2022 में फिर 10% डिप्रिशिएट हुई। ठीक है तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स का मतलब 2022 में उसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है 2 साल के बाद क्या वैल्यू होगी डिप्रिशिएट होने के बाद। ठीक है तो वेरी सिंपल ओके तो एक ही लाइन में होगा ये भी, तो प्रेजेंट वैल्यू, सो देयरफॉर कैसे करेंगे, सो 50,000 पहला डिप्रिसिएशन 10% का है, 10% डिप्रिशिएट का मतलब क्या होता है 90, 10% लॉस की तरह लेंगे 90/100, दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में फिर कितना हो रहा है 10% डिप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि हर साल 10% डिप्रिशिएट हो रहा है, अगर आफ्टर 3 ईयर्स बोलता ना आपसे तो आप इसी चीज़ को 3 बार लिखते, सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट ईयर एंड दिस इज़ फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है ओके आप ये कह सकते हैं कि 2020 में दिस वॉज द प्राइस, ओके उसके बाद डिप्रिशिएट होने के बाद फिर फर्स्ट ईयर में इतना प्राइस हुआ, ये है 2021 का प्राइस है, और फिर फाइनली पूरा पूरा जो ये प्राइस है ये सेकेंड ईयर का प्राइस है। ठीक है ये है 2022 का प्राइस, तो इसको सॉल्व करना है बस आपने, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। ओके जीरोस काट लीजिए, नीचे 4 जीरोस हैं तो ऊपर भी कितने जीरोस हैं, 4 सारे जीरोस कट गए। ओके 9 9 81, सो 5 × 8 100, सो इट विल गोइंग टू गिव यू 5 × 5 8 5 40, सो 40,500 विल बी द आंसर। ओके देयरफॉर आफ्टर 2 ईयर्स इट्स वैल्यू विल बी, ठीक है एक ही लाइन में किया ना, आफ्टर 2 ईयर्स कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 40,500 रुपीज। ओके वेरी इजी, बहुत आसान है। ठीक है इसी तरीके से अब आपसे पहले का भी पूछ सकता है। ठीक है ओके इन द सेम वे वो आपसे भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू 1 ईयर अगो, इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है